हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं एसएसएससी मैथ का ऐसे इंपोर्टेंट वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए सेमी है, तो सिद्ध करें कि शीर्ष लंब रूट अंडर 3/2 ए होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना कर लेनी होगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे त्रिभुज की रचना कर लिए हैं जिसका नाम रखेंगे ए बी सी। ये जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तो शीर्षलंब होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक शीर्षलंब डाल देंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे क्या चीज, ए डी रखेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा जो है वो ए सेमी है, यानी ये जो भुजा है ये भी ए सेमी है और ए सी नामक जो भुजा है ये भी कितना है, ए सेमी है, और BC नामक भुजा भी कितना है, तो ये भी है A सेमी। जरा ध्यान दीजिएगा कि B से लेकर C तक जो भुजा का नाम है वो A सेमी है। इसी हम लोग आधे आधे में बांटेंगे तो क्या होगा, A बट्टा 2 होगा और इधर भी हो जाएगा A बट्टा 2। हमको ज्ञात करना है शीर्ष लंब, अर्थात हमें ज्ञात करना होगा AD बराबर। तो दोस्तों AD बराबर एक फार्मूला आता है, वो होता है AB स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, अर्थात लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर ए सेमी दिया जा चुका है। यदि बी सी बराबर ए सेमी तो बी डी बराबर ए बटा 2 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए ए बी का मान, तो ए और बी का मान कितना है दोस्तों, तो ए सेमी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे, इसमें स्क्वायर था तो इसमें भी आपको स्क्वायर दे देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस है तो आप ही क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। उसके बाद में चाहिए बी डी का मान, दोस्तों बी डी का मान ए बटा 2 है, तो आप ही यहाँ पे लिखेंगे ए बटा 2 का इस प्रकार से स्क्वायर। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा ए का स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी ए का स्क्वायर कितना होगा, तो ए स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट में बट्टा का घटाव बनाएंगे। बट्टा का घटाव कैसे बनाएंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग ले चुके हैं, और उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो वो बचेगा 3 ए स्क्वायर, और बट्टा यहाँ पे 4 है तो हम लोग भी 4 लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट अंडर 3 को हम लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट अंडर 4 है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद में ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का भी वर्गमूल ए होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में जो जितना हमको सिद्ध करके लाना था सिस्लम का मान, उतना हम लोग सिस्लम का मान रूट अंडर 3/2 ए ला दिए हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला जो सवाल है वो त्रिकोणमिति से लिया गया है और काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, और सवाल में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का यहाँ पे होल स्क्वायर छूट गया, ठीक है, और फिर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 2 लाना है। यानी सिद्ध हमें करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 होगा। जरा ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे ना, तो ये ए हो जाएगा, बीच में प्लस, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये बन जाएगा किसका, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस होता है b का स्क्वायर है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a का मान cos थीटा माने ही और b का मान sin थीटा माने ही। फॉर्मूला में बोला गया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला के माध्यम से सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया a स्क्वायर, तो a का मान कितना माने cos थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी दो गुने a का मान, a का मान फिर कितना तो cos थीटा गुने बी का मान, बी का मान दोस्तों कितना है तो बी का मान कितना है साइन थीटा है, और प्लस होता है बी स्क्वायर तो बी का मान साइन थीटा है, तो प्लस में हम लोग कितना लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर लिखने वाले हैं। फिर प्लस में है यहाँ पे ए माइनस बी का फॉर्मूला पे, तो ए माइनस बी के फॉर्मूला में क्या कीजिएगा कि जहाँ पे प्लस दिया गया वहां पे एक बार केवल क्या करना है माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी दो गुने ए का मान, फिर कितना ए का मान कॉस थीटा, फिर गुने बी का मान, बी का मान दोस्तों कितना तो साइन थीटा, तो आप यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर अर्थात साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वाला स्टेप तो काफी सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, प्लस दो में कॉस थीटा और साइन थीटा से गुणा कीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सेम टू सेम आप लिख दीजिए ट्रू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस में ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसे सेम टू सेम उतार दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इसे भी सेम टू सेम उतार दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे देखिए दो गुने कॉस थीटा गुने साइन थीटा है, इसमें भी अगर आप गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सेम टू सेम उतारिए दो कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा है, और प्लस में दोस्तों यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे मिलेगा माइनस दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसा कि हम आप सभी को बताते हैं कि प्लस माइनस को हम लोग काट देते हैं, तो ये माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे प्राप्त होगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे और बीच में क्या है बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक फॉर्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति का, उसी फॉर्मूला का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा एक होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होगा एक होगा, और एक में एक को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा दो आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में सिद्ध करके दो लाना था और हम लोग दो ला दिए हैं। उम्मीद है कि इसका भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन तीन में कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए। काफी सिंपल सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। दिया गया एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, केंद्र किसको बोलते हैं तो बीच में जो बिंदु हो डाला जाता है ना प्रकाल का, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु ए से, मान लेते हैं कि यहाँ कोई बिंदु ए है और वृत्त के केंद्र से इसकी जो दूरी है बिंदु ए तक कितना है 5 सेमी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 सेमी। अब ए से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा भी खींचा गया है जिसका लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया गया है तो 4 सेमी दिया गया है। ठीक है, 4 सेमी दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आपको ये पूछा गया ये चीज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग रखते हैं ओ रखते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। तो हमको ज्ञात करना है त्रिज्या अर्थात ओ बी का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओ बी बराबर रूट अंडर, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। उसके बाद वाला स्टेप तो काफी सिंपल है, ओ ए का मान देख लीजिए, ओ ए का मान दोस्तों कितना है 5 सेमी है ना, तो आप क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस ए बी का मान, ए बी का मान दोस्तों कितना है तो 4 सेमी दिया जा चुका है,
तो आपको चार का स्क्वायर कर देना होगा। है दोस्तों, पाँच का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा, तो पाँच चार 25 हो जाएगा, माइनस चार का स्क्वायर कितना होता है, तो चार चौका 16 होता है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 25 में से 16 को माइनस करना होगा। है दोस्तों, 25 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, 9 आएगा। और जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि 9 को वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। कैसे होता है, तो 9 को गुणनखंड कीजिएगा, 3 तिहाई 9, और डबल 3 का 1 3 रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो त्रिज्या का हमारा मान आएगा ना, वो 3 सेमी आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका भी सलूशन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 को हल कीजिए। तो चलिए काफी सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। तो यहाँ पे इधर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे है 13 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर और यहाँ पे है एक्स प्लस 5, तो दोनों ओर हम लोग वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ग कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यही फॉर्मूला की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, दो गुने a का मान कितना x, गुने b का मान कितना, तो b का मान 5 है, प्लस b का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। उसके बाद में 13 माइनस एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 2 पचे कितना होता है, तो 2 पचे होता है 10x और प्लस 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। उसके बाद में स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है, सेम टू सेम लिखेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर बराबर के, इधर इसे अगर लाएंगे ना तो माइनस का सिंबल चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे कितना है 10x है, तो अभी यहाँ पे प्लस 10x लिखेंगे, प्लस दोस्तों कितना है 25 है। अब यहाँ पे जो 13 है वो प्लस में दिया जा चुका है, बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा माइनस 13 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा अर्थात इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबको तो हम लोग इधर लाए हैं, तो यहाँ पे केवल 0 बचेगा। उसके बाद वाले स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे, तो कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं 10x। उसके बाद में 25 में से 13 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, बराबर कितना होगा 0 होगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो समीकरण को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी में से 2 को कॉमन कर लेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करते हैं तो जाहिर सी बात है केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 2x स्क्वायर में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। 10x में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो क्या मरते कटेगा 5 × 10 अर्थात 5x मरते कट जाएगा, प्लस ये 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 6 × 12 और बराबर में है 0। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अब आपको लगता होगा कि भाई साहब ये जो 2 था ये कहाँ गया, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, बराबर में था 0, तब मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या बराबर की उधर जाकर ये भाग में हो जाती है, और 2 उधर 0 में भाग लग के 0 में चेंज हो जाता, इसी हम लोग हैं तरीके से केवल 0 लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो ऐसा करते हैं इसे हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मानेंगे, 1 में 6 से गुणा कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 5 को आपको तोड़कर 6 लाना होगा, 5 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना होगा कि गुणा करेंगे तो हमारा प्लस 6 आना चाहिए और जोड़ेंगे तो प्लस 5 भी आ जाना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को लेंगे, 3 × 2 = 6 भी हो जाएगा और 2 × 3 = 5 भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम और ये 5x के बदले में हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 2x और प्लस में 3x। कैसे लिखेंगे, तो 2x और 3x मिलके 5x भी हो जाएगा, 3 × 6 भी हो जाएगा, और प्लस में दोस्तों कितना है, प्लस में 6 है, बराबर है 0।
अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे। ये x स्क्वायर था यानी इसके पास अभी भी x बचा होगा, क्योंकि x स्क्वायर दो x था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे प्लस ये दो x में अगर हम लोग x से भाग लगाएंगे तो x x कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, दो बचेगा। प्लस यहाँ पे कितना है, तीन है, तो हम लोग तीन कमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे तीन कमन कर लिए तो तीन से तीन कटेगा, केवल यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा, एक्स बचेगा, और प्लस प्लस मिलके क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद में अगर छः में तीन से भाग लगा देते हैं तो तीन दूनी छः, ये दो मरतबे कट जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस तीन को एक साथ, और ये दोनों तो उभयनिष्ठ है अर्थात दोनों में है, इसमें चलिए एक कोई ले लेते हैं, x प्लस दो को एक साथ। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब x प्लस तीन बराबर जीरो होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस तीन था, बराबर की ओर जाकर क्या होगा, माइनस तीन हो जाएगा। उसी प्रकार से कि जब x प्लस दो बराबर जीरो होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस दो था, बराबर की ओर जाकर क्या होगा, माइनस दो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा x का जो मान आ गया है वो माइनस तीन को माइनस दो आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सोल्यूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है हमारा कि उस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष तीन कोमा माइनस पांच माइनस सात कोमा चार तथा दस कोमा माइनस दो दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दिया गया है। अब यहाँ पे दिया क्या चीज गया है कि तीन कोमा माइनस पांच दिया है, तो पहला जो आपका मान बनेगा वो x1 का मान होगा, दूसरा y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान, y3 का मान। आप यहाँ पे लिख सकते हैं x1 का मान कितना है, तीन है, y1 का मान कितना है, माइनस पांच है, x2 का मान कितना है, माइनस सात है, और y2 का मान कितना है, चार है। उसी प्रकार से x3 का मान कितना है, तो 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, और y3 का मान दोस्तों कितना है, तो माइनस दो है, तो आप यहाँ पे माइनस दो लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका फॉर्मूला का एक यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर, केंद्रक का निर्देशांक बराबर, इसके लिए एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, निर्देशांक बराबर, इसका एक फॉर्मूला आता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में होता है तीन। तो यहाँ पे हमको चाहिए x1 का मान, दोस्तों x1 का मान कितना है, तीन है ना, आप तीन लिख दीजिए, प्लस x2 का मान, x2 का मान माइनस सात है, तो आप ऐसे कोष्ट में लिखेंगे माइनस सात, और प्लस x3 का मान, x3 का मान दोस्तों कितना मिलेगा, दस मिलेगा ना, तो आप यहाँ पे दस लिख दीजिए, और बट्टा में कितना है, तीन है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि तीन का तीन प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, माइनस सात और प्लस दस हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, तीन है। उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि तीन यहाँ पे प्लस में था और दस ये प्लस में, तो दस और तीन कितना होगा, तो तेरह हो जाएगा, और माइनस सात और बट्टा तीन, अगर तेरह में से अगर आप सात को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, छ आएगा, तो आप यहाँ पे छ लिखेंगे, और भागा तीन है, तो ये कट के हमारा दो आ जाएगा, अर्थात x का जो माना गया है वो दो आया है। उसी प्रकार से y का भी फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में होता है तीन। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि y1 का मान सबसे पहले लिखना होगा, y1 का मान देख लीजिए माइनस पांच दिया गया ना, तो आप लिखेंगे माइनस पांच प्लस y2 का मान, y2 का मान कितना था, चार था ना, आप चार लिखेंगे, प्लस y3 का मान, y3 का मान दोस्तों माइनस दो था, तो आप माइनस दो लिख सकते हैं, और बट्टा में तीन। उसके बाद ये माइनस पांच प्लस चार, ये प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस होगा दो, और बट्टा में तीन है। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस पांच, चार में से दो घटेगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा, और बट्टा तीन होगा। अब ये माइनस पांच प्लस दो मिलकर कितना होगा दोस्तों, तो ये माइनस तीन बट्टा तीन होगा, जिसे हम लोग आसानी तरीके से कटा सकते हैं, कितने मरतबे, माइनस एक मरतबे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पांच को भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन छह में,
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस 4.7 और 4.-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी और इसका नाम आप रखेंगे क्यू। ए का निर्देशांक कितना दिया गया है, -4.7 दे दिया गया है। अनुपात कितना है, तो अनुपात है 2:3। और यहाँ पे दूसरा कितना दिया गया, दूसरा बिंदु, तो ये है 4.-3। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि x1 y1 और m1 और m2 इसका मान आपको याद रखना होगा। ये होगा दोस्तों x1 का मान, दूसरा y1 का मान। यहाँ पे ये मान होगा m1 का, ये m2 का हो जाएगा, ये x2 और दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो यहाँ पे बोला गया कि उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करती है। तो इसमें एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या कहता है कि विभाजन सूत्र x में कहता है कि m1 x2 प्लस होता है m2 x1, और बटा में क्या होता है, तो m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि m1 का मान हमें चाहिए, m1 का मान क्वेश्चन बता दिया है कितना, 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे गुने x2 का मान। दोस्तों x2 का मान 4 है ना, तो आप 4 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान, m2 का मान कितना है, तो दोस्तों m2 का मान यहाँ से मिलेगा 3, आप 3 लिखेंगे गुने x1 का मान, x1 का मान दोस्तों -4 है, तो -4 आपको लिखना होगा, और बट्टा में m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। आसानी तरीके से हम लोग 2+3 लिख सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद में 4 × 3 से मिला करते हैं हम, तो 4 × 3 = 12 होता है, जो कि माइनस में होगा, चूंकि ये माइनस में है, तो हम लिखेंगे -12 और बट्टा 3 × 2 कितना होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद में 8 में से अगर आप 12 को घटाइएगा तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, -4 आएगा, और बट्टा में कितना है, 5 है। तो इस प्रकार से x का बिंदु का निर्देशांक नियामक हम लोग याद कर लिए हैं। उसके बाद में x के जैसा y का भी फॉर्मूला आता है, m1 y2 + m2 y1, और बट्टा में होता है m1 + m2। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए m1 का मान दे दिया गया है कितना, 2, और गुणे y2 का मान दोस्तों -3 है ना, तो -3 लिख दीजिए, प्लस m2 का मान यहाँ पे 3 है, आप 3 लिखेंगे गुणे y1 का मान कितना है, 7 है ना, आप 7 लिखेंगे, और बट्टा में m1 + m2 का मान, m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, तो आप लिखेंगे 2+3। इसे आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 3 × 2 कितना होगा, -6 होगा, + 3 × 7 कितना होगा, तो ये 21 होगा, और बट्टा 3 × 2 कितना होगा, तो ये 5 होगा। उसके बाद में जैसा कि आज सभी को मालूम होगा कि -6 और +21 मिलकर कितना होगा, यानी 21 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना होगा, 15 होगा, और बट्टा में कितना है, 5 है, तो 5 × 15 कट जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -4/5 और -3 आ गया है। देखिए दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को जिस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बताया गया होगा, सभी क्वेश्चन का सलूशन आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। हे दोस्तों वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।